गुड मॉर्निंग। कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप में क्वेश्चन नंबर 7, बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड को देखते हैं। क्वेश्चन में क्रेडिटर 17,000, बिल्स पेबल 1,200, ए इज कैपिटल 20,000, बी इज कैपिटल 20,000, सी इज कैपिटल 10,000, बैंक 6,200, डेटर 20,000, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1,000, 19,000 आउटर कॉलम, स्टॉक 22,000, मशीनरी 15,000, फर्नीचर 1,500, गुडविल 4,500। डिसीजन वॉज टेकन टू सेल द बिजनेस ऑफ द फॉर्म टू एक्स लिमिटेड। यानी ये तीनों मिलकर डिसीजन लिया कि एक्स लिमिटेड को अपना बिजनेस बेच देना है, और एक्स लिमिटेड अग्रीड हुआ कि 6,000 फुल्ली पेड शेयर देगा 10 रुपीज ईच फॉर परचेस प्राइस। 6,000 शेयर पे करेगा 10 रुपए करके, यानी कि 60,000। इट एक्सेप्टेड ऑल द लाइबिलिटीज एक्सेप्ट बिल्स पेबल एंड टुक ओवर ऑल द एसेट्स एक्सेप्ट बैंक बैलेंस। यानी कि एक्स लिमिटेड कंडीशन रखा कि वो सारा लाइबिलिटी में बिल्स पेबल को छोड़ के क्रेडिटर को लेगा, और सारे एसेट्स में बैंक को छोड़ के लेगा सारे एसेट्स को। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2, 1:3, 1:6, इसका एलसीएम लेंगे तो 3:2:1 आएगा। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सबसे पहले आते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले बैलेंस शीट में जो आइटम है उसको ले लेते हैं, बैंक को नहीं लेंगे क्योंकि बैंक को नया फर्म नहीं ले रहा है। टू डेटर, टू स्टॉक, टू मशीन, टू फर्नीचर, टू गुडविल, जैसा दिया था बुक वैल्यू वैसा। डेटर का बुक वैल्यू को यहां लिखेंगे और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है उसको यहां लिखेंगे। माइनस करके कभी मत दिखाइएगा, उसको इधर दिखाइएगा, ये सही तरीका है। क्रेडिटर 17,000, बिल्स पेबल 1,200, जो बुक वैल्यू दिया था। बाय एक्स लिमिटेड 60,000 परचेस प्राइस, और बिल्स पेबल का पेमेंट फॉर्म करेगा टू बैंक अकाउंट 1,200, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला हुआ था कि जो एक्स लिमिटेड है वो बिल्स पेबल को नहीं लेगा, तो बिल्स पेबल को नहीं लेगा तो फॉर्म पे करेगा। अब क्रेडिट का टोटल किए 79,200, उसमें से इस डेबिट के टोटल को माइनस किए, मेरा आया 15,000। इस 15,000 को हम लोग बांटे 3:6, 2:6, 1:6, 7,500, 5,000, 2,500, बांट दिए 15,000। अब एक्स लिमिटेड अकाउंट खोलें, टू रियलाइजेशन 60, बाय शेयर इन एक्स लिमिटेड 60,000। ये मेरे से गलती से हो गया था, आप इसको नहीं करेंगे, क्योंकि एक्स लिमिटेड अकाउंट खोल के हम लोग क्या नॉलेज लेते हैं कि उसको कितना पैसा देना था फॉर्म को और वो किस फॉर्म में दे रहा है, ये इसका होता है। फिर शेयर इन एक्स लिमिटेड खोलते इसलिए हैं ताकि कितना का शेयर था और उसको ए बी सी में किस रेशियो में बांटा जा रहा है। तो 60,000 आया और इसको हम लोग बांट दिए 2:2:1 में, 24,000, 24,000, 12,000, बट गया 60,000। देन पार्टनर कैपिटल ओपन किया गया, बाय बैलेंस बी डी 20:20:10, बाय रियलाइजेशन 7,500, 5,000 और 2,500 ऐड किए, और डेबिट साइड में ये शेयर को डाल दिए, टू शेयर इन एक्स लिमिटेड 2:24,000, 24,000, 12,000। अब ए को मिलना चाहिए था 27,500, बट मिल रहा है 24,000 शेयर में, तो बाकी पैसा कैश में मिलेगा। बी को मिलना चाहिए था 25,000, बट उसको शेयर में 24,000 मिल रहा है, यानी बाकी पैसा कैश में मिलेगा। और सी का भी सेम, 12,500 रुपया उसको मिलना चाहिए था लेकिन मिला 12,000, तो 500 उसको कैश में मिलेगा। अब इस क्वेश्चन में मैंने बैंक अकाउंट बनाया केवल आप लोगों को समझाने के लिए। बैंक का बैलेंस तो नया फॉर्म नहीं लिया था, तो टू बैलेंस बी डी 6,200। बिल्स पेबल का पेमेंट जो आप यहाँ देख रहे हैं, बैंक अकाउंट के थ्रू 1,200 पेमेंट किया जा रहा है। बाई बिल्स पेबल अकाउंट 1,200, बाई एस कैपिटल 3,500 बैलेंसिंग फिगर, बाई बीस कैपिटल, बाई सीस कैपिटल, जब टोटल कर रहे हैं तो ये 6,200 बोथ द साइड इक्वल है, यानी कि हमारा जो सम्स है उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, सही है। थैंक यू।